हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रवि और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लर्न टू इजी फिजिक्स। आज मैं एक नई बुक का रिव्यू लेकर आया हूं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोडायनामिक्स बाय डेविड जे ग्रिफिथ। अगर आप ITJM, जेस्ट, TIFR और CSRNET का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये बुक आपके लिए वरदान साबित होगा, ठीक है। अगर आप इंटरव्यू का भी प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो ये बुक भी आपके लिए वरदान साबित होने वाला है, ठीक है। तो इसके अंदर मैं आपको कुछ कंटेंट्स और प्रॉब्लम्स दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो ये आप इस बुक का जो है फ्रंट लुक है, ठीक है। और इस तरफ ये है फोर्थ एडिशन, ठीक है। ये बैक लुक है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जब भी आप बुक खरीदो तो आप करंट एडिशंस खरीदना। अभी जो करंट एडिशन इस बुक का जो चल रहा है वो है फोर्थ एडिशंस, ठीक है। तो चलिए इसके अंदर जो है कंटेंट्स मैं आपको दिखाता हूँ। ये है फर्स्ट स्लो किड्स प्लेइंग, ठीक है। इस तरह का इंटरफेस है फर्स्ट पेज पे आपको। देन यहाँ पे आपको कंटेंट्स दिए गए हैं, ठीक है। वेक्टर एनालिसिस, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड्स इन मैटर, मैग्नेटोस्टैटिक्स, मैग्नेटिक फील्ड्स इन मैटर्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, कंजर्वेशन लॉ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रेडिएशंस, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एंड रिलेटिविटी, ठीक है। तो पहला जो चैप्टर आपका है वेक्टर एनालिसिस, ठीक है। ए वेक्टर एनालिसिस एक्चुअली तो मैथमेटिकल फिजिक्स का ये पार्ट है, बट वेक्टर एनालिसिस का यूज जो है वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में होता है, ठीक है। लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल, डिराक डेल्टा, इस चीज़ को आप अच्छे से अगर पढ़े हो तो आपको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, ठीक है। अगर आप इस चीज़ को अच्छे से नहीं किए हो कवर तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलेगा, ठीक है। इसके अंदर जैसे कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल आपका हो गया, ठीक है। वीडियो की क्वालिटी आप बता सकते हो कि कैसे वीडियो की क्वालिटी आ रही है, ठीक है। ये आपका फिर से प्रॉब्लम नंबर वन, ठीक है। यहाँ पे आपका एग्जांपल नंबर टू, आप इस प्रॉब्लम को ज़रूर बनाना, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर फाइव बैक माइनस कैब रूल, ये आपका ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट वाला प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नंबर सेवन, ये प्रॉब्लम नंबर एट, प्रॉब्लम नंबर नाइन, प्रॉब्लम नंबर टेन, ठीक है। ये आपका डिफरेंशियल कैलकुलस, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स, ग्रेडियंट, ठीक है। यहाँ पे उसके प्रॉब्लम्स दिए गए हैं, ठीक है। मैं ज़्यादा प्रॉब्लम पे फोकस कर रहा हूँ, कंटेंट पे नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। कंटेंट कुछ ही दिखा रहा हूँ बट प्रॉब्लम ज़्यादा दिखा रहा हूँ, ठीक है। जैसे ये आप देख सकते हो वॉल्यूम इंटीग्रल हो गई, फिर आपको सरफेस इंटीग्रल भी पढ़नी होगी और इसमें कुछ कोऑर्डिनेट्स भी आपको पढ़ने होंगे, जैसे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट, ठीक है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट, ये सब वेक्टर एनालिसिस में आपको पढ़नी होती है, ठीक है। आपको डायरेक्ट मैं प्रॉब्लम्स पे लेकर चलता हूँ। हाँ, आप यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। मोर प्रॉब्लम्स ऑन दिस चैप्टर, फिगर 51, फिगर 52, प्रॉब्लम 58, प्रॉब्लम 59, 60, 61, ठीक है। इस तरफ आपके प्रॉब्लम 62, इस बुक का सॉल्यूशन भी आता है, ठीक है। अगर इस बुक का अगर PDF भी चाहिए या सॉल्यूशन चाहिए तो आप गूगल पे सर्च कर लेना, ठीक है। नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, ठीक है।
जिस तरह ये हमारा सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसके अंदर जो कंटेंट्स हैं वो आप देख लो, ठीक है, कूलम्स लॉ, ठीक है, कूलम्स लॉ पे आपका ये प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब इसके भी मैं कुछ कंटेंट्स आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, और भी आप प्रॉब्लम देख सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ठीक है, ये सॉल्यूशंस किए गए हैं, ठीक है। प्रॉब्लम्स नंबर 3, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैं इसी तरह और भी बहुत सारे बुक का रिव्यू लेकर आऊँगा, ठीक है, ताकि जब भी मैं अगर कोई बुक अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहले पहुँच जाए, ठीक है। यहाँ पर से आप देख सकते हो मोर प्रॉब्लम ऑन दिस चैप्टर, ठीक है, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, ठीक है, 53। जब इस प्रॉब्लम को आप करोगे ना तो आपकी माइंड को ये खोल कर रख देगा, ठीक है। फिफ्टी फाइव, ठीक है, 56, 57, 58, 59, 60, 61, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर आपका पोटेंशियल है। अब मैं आपको बता दूं कि इस बुक का जो प्राइस जो है वो है 519, ठीक है, और इसमें भी आपको डिस्काउंट मिलती है इस बुक में। एक्चुअली मुझे ये ध्यान नहीं है, मैं इसकी एक्चुअल जो आफ्टर डिस्काउंट जो प्राइस पड़ी है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, अगर कोई क्यूरी हो तो आप हमें कमेंट करें, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।